गिव द अपोजिट्स, क्या करना है आपको, अपोजिट वर्ड देने हैं, ठीक है। तो बताइए बॉय का अपोजिट क्या होगा, गर्ल, क्या होगा गर्ल। इसको लर्न भी करना है आपको, है ना, याद भी करना है। आउट का इन, स्मॉल का क्या होगा बिग, ठीक है। फैट का क्या होगा थिन, ठीक है। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ गई थी, ये हमने अभी जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर सेकेंड में हमने पढ़ा था, वेयर वॉज हल्दी गोइंग। तो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, कहाँ गई थी, स्कूल गई थी। तो आंसर आप लोग लिखेंगे हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट हल्दी नेम करेक्टली। मैंने इसको सही से लिख दिया है, ये इस तरह से नहीं लिखा है, ये इस तरह से लिखा है, ठीक है। जो स्मॉल एच बनता है ना वो बनाया था मैंने, इसको करेक्ट वे में लिख दिया, ठीक है, इस तरह से बना था, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, सही करके लिखना है। तो जो लिखा था मैंने वो सही था, तो आपको कैसे करके लिखना है, तो हल्दी का नेम करेक्टली कैसे करके लिखेंगे, ऐसे। ऐसा क्यों होगा उसका रीज़न बताती हूँ। जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर आता है, या किसी प्लेस का नाम लिखते हैं तब भी कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, कैपिटल होता है। अब मेरी हैबिट में था इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। ऐसे आपको भी हैबिट में लाना है, किसी का नाम हो किसी प्लेस का नाम हो तो अब आपको क्या करना है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना है। चलिए, 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए, अगली वीडियो में हम 5 क्वेश्चन फिर से करेंगे।